और जो खबर मिल रही है वो मालदीव से ये कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस वक्त शरण ली हुई है, भारतीय हाई कमीशन में मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अरेस्ट ऑर्डर्स उनके खिलाफ एक मालदीवियन कोर्ट ने दिए हैं और इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं भारतीय हाई कमीशन में और वहां पर वो काफी देर से मौजूद भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने भारत से मदद की गुहार भी लगाई है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, शुरू में खबरें ये आ रही थी कि वो एक रेगुलर मीटिंग के लिए हाई कमीशन गए थे, लेकिन क्या एमईए ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो वाकई वहां पर शरण लिए हुए हैं और मदद चाहते हैं आगे भी? आज दोपहर 12 बजे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पहुंचे भारतीय उच्चायोग और वो 12 बजे से ही भारतीय उच्चायोग में है, मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं। उन्होंने औपचारिक तौर पर भारत में शरण तो नहीं मांगी है, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण है इस समय राजधानी माले में, खासतौर पर इसलिए क्योंकि 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय भारतीय उच्चायोग के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और वो ये लगातार लाउडस्पीकर पे कह रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति नशीद बाहर आए और गिरफ्तारी दे। उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है, इसके खिलाफ वो कोर्ट भी जा चुके हैं और कोर्ट ने उनकी अपील को ले तो लिया है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। वो अकेले नहीं है, उनके साथ 12 और मालदीव की सांसद भी इस समय मौजूद है भारतीय उच्चायोग के अंदर। औपचारिक तौर पर शरण नहीं मांगी है, असाइलम नहीं सीक किया है, लेकिन मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरी हामिद गफूर से बात हुई जो वहां की सांसद है एनडीपी पार्टी के, और उन्होंने कहा है कि उन्हें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति वहीद की सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, इस तरह जो न्यायिक प्रक्रिया वहां चल रही है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, और केवल भारत एक ऐसा मित्र देश है जो दोनों ही तरफ से बीच बचाव करके सुलह करा सकता है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति नशीद भारत आना चाहते हैं इलाज के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो मदद की गुहार मोहम्मद नशीद की तरफ से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति, और इस वक्त वो माले में भारतीय हाई कमीशन के भारतीय उच्चायोग के अंदर ही मौजूद है।